माशी इस्तेकाम के बारे में बात करनी चाहिए, आपको उनसे पूछना चाहिए कि हिंदुस्तान को तो आप एक हाईटेक जो है सेंटर बनाने जा रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर तो आपने उनको एफटीए का स्टेटस दे दिया है, हिंदुस्तान में आप स्मार्ट सिटीज बना रहे हैं, हिंदुस्तान को आप टेक्नोलॉजी इम्पोर्ट फ्री मुल्क बनाना चाहते हैं, आप हमें कह रहे हैं कि हम सिर्फ अफगानिस्तान में चेक करते, क्या अफगानिस्तान का मसला सिर्फ पाकिस्तान का बनाया हुआ है, इसमें अमरीका की कोई जिम्मेदारी नहीं है, अफगान हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम अपना वजन तो उठा सकते हैं लेकिन अमरीकन हुकूमत का अमरीकन पॉलिसीज का वजन हम किस तरह उठाएं और अफगान हुकूमत की नाकामी का वजन हम कैसे उठाएं। देखिए इस वक्त हमें अपनी तरजीहत माशी रफ्तारी पर रखनी चाहिए, माशी इस्तेकाम की बात करनी चाहिए, हमें पूछना चाहिए कि क्या हमारे पे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की सैंक्शन चलेंगी, कि आईएमएफ का जो असर रसूख है उस पर बातचीत होगी, कि आईएमएफ में अमेरिका अपना असर रसूख मनफी तौर पर इस्तेमाल करेगा अगर हमने अपनी पेमेंट्स की बात की या न्यूज को रेफर किया जाए, अगर वो पाकिस्तान को मजबूत चाहता है, चाहता है कि इस खत्ते में इस्तेकाम है जो अब सिर्फ अफगानिस्तान के नुक्ते नजर से चाहते हैं, लेकिन आप अमरीका से क्या चाहते हैं? पाकिस्तान अमरीका ताल्लुक में आपकी तरजीहत थोड़ी सी मुख्तलिफ है, अमरीका के पास जो आखिरी लेवरेज था $300 मिलियन का कोलिशन सपोर्ट फंड था जो उन्होंने रोका, अभी जब वो रोका है ये वो कौन से पैसे जो आपने अपनी दहशतगर्दी की जान में उनकी जहां जहां उनके एहदाफ या उनके जो कुछ कोऑपरेटिव एग्रीमेंट थे उनके तहत आपने उनसे वो चीजें वापस मांगी वो अभी नहीं दे रही, ये पाकिस्तान का पैसा है, किसी का जाती पैसा नहीं है और ये पैसा अमरीका को वापस देना चाहिए, और अगर नहीं दे रहे तो आपके पास जो जी लॉक्स हैं आपके पास एयर लॉक्स हैं आपको उसको भी असर ना देखना चाहिए, कि अगर वो 17 साल पहले जो आपने बात की थी वो तो चाहते हैं कि वो तमाम मनात अमरीका खुद ही जाए बगैर किसी पूछ कुछ की, लेकिन जो आपसे तवक्कात है उसमें इजाफा किया जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ी जो तब्दीली है जिसमें मेरे ख्याल से पिछली हुकूमत को आपको और पिछली तमाम क्यादत को इसका जो है एक लिहाज से आप कह सकते हैं एक बेनिफिट जाता है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में सी पैक है, यानी एक तरफ 300 मिलियन अमरीकन और दूसरी तरफ $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, तो आपको अमरीका से अपनी मायशी इस्तेकाम माशी जरूरत पेश आती है, ठीक है साहब, जिसमें कहते हैं कि अमरीका शायद यहाँ से निकलना ही नहीं चाहता है क्योंकि यहाँ से वो चाइना की एक्टिविटी पे नजर रखना चाहते हैं और इंडिया को वो बहुत ज्यादा एम्पावर कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत शायद वो यहाँ पे बैठे हैं इसलिए वो बैठे हुए हैं। ये थ्योरी भी ये मैं कुछ हद तक इसमें कुछ हकीकत इसलिए भी है कि एक किताब मैं पढ़ रहा था उसमें पिछले वाइस प्रेसिडेंट जो ओबामा के थे मैं नाम उसका भूल गया उसको कोट किया है कि उसने कहा था कि अफगानिस्तान के अंदर हमारा बैठना आप सिर्फ ये न देखें कि हम अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं, हमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स पे भी नजर रखना है, तो वो अपनी जगह बात वो छोड़ दे। मैं समझता हूं कि अमेरिका को इस रीजन पे नजर रखने के लिए या चीन पे नजर रखने के लिए या हमारे न्यूक्लियर एसेट पे नजर रखने के लिए अफगानिस्तान में बैठने की कोई खास जरूरत नहीं है, उनका दोहा के अंदर सेंट काम है, सेंट्रल कमांड तो दोहा में कतर में काबुल से 1 घंटे 1.5 घंटे की फ्लाइट के फासले पे, और फिर समंदर पानी जिधर भी है इस दुनिया में उसके अंदर अमेरिकन फोर्सेस किसी न किसी शक्ल में मौजूद है, ठीक। तो आपकी तबीयत या किसी भी मुल्क की तबीयत अगर ठीक करवानी हो खुदा ना खास्ता उस तरह तो उनके हाथ पहुंच सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि काबुल से वो उठ के यहाँ पे डंडे उठा लेंगे तो बंदूक वो उनके हाथ पहुंच सकते हैं उसके लिए नहीं है। हाँ मल्टीपल चीजें इकट्ठे करके और एक मैसेज शायद ये भी देना है कि जिधर भी इस्लाम के नाम पे कोई मूवमेंट उठने का अगर खतरा हो तो हम उसको दबाएंगे, और उसका खतरा इसी रीजन में से ज्यादा मिलता है बाकी जगहों से नहीं मिलता, बाकी मिडिल ईस्ट उन्होंने कंट्रोल कर लिया, सिर्फ अफगानिस्तान पाकिस्तान और कुछ हद तक सेंट्रल एशिया में जो मुस्लिम आबादी है इसमें तालिबान टाइप की मूवमेंट सर उठा सकती है किसी वक्त भी, और उसको उन्होंने किसी कीमत पे नहीं छोड़ा। इजाजत